नमस्कार दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उत्तर मुगल काल को, जो आधुनिक भारत के प्रथम भाग का ही एक अंग होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तर मुगल काल को। आइए जानते हैं उत्तर मुगल काल के बारे में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अनेक जो मुगल साम्राज्य थे वो अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के कारण ही बहुत से जो भागों में विभाजित होने के कारण ही जो वहाँ के सरदार होते हैं उनके मध्य संघर्ष उत्पन्न होता है। उन सरदारों में मुख्यतः गुजरात के सरदार, काबुल के सरदार और बीजापुर के सरदार, इन सरदारों के मध्य आपसी संघर्ष उत्पन्न होता है। 1707 में ही जाजों में इन तीनों शक्तियों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बीजापुर के सुल्तान, जिनका नाम था मुअज्जम, 1707 में बीजापुर के युद्ध में मुअज्जम विजयी होते हैं। मुअज्जम विजयी होने के साथ ही जो मुगल बादशाही थी उस पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठते, जिनका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहता है। बहादुर शाह प्रथम की नीति राजपूत और मराठों के प्रति अस्थिर रही थी, पर इसके बावजूद भी 1689 में शिवाजी के पौत्र साहू को ये आजाद कर देते हैं बाद औरंगजेब की कैद से। मराठों राजपूतों के प्रति इनकी नीति अस्थिर होने के बाद भी 1689 में शिवाजी के पौत्र को साहू को ये आजाद कर देते हैं। 1711 में ही एक डच शिष्टमंडल 1711 में डच शिष्टमंडल इनके दरबार में अनुमति प्राप्त करने के लिए आता है। इसमें एक महिला होती है जिसका नाम था जुलियाना, एक महिला डच होती है जिसका नाम था जुलियाना। जुलियाना इस शिष्टमंडल की अध्यक्ष होती है। इस शिष्टमंडल को बहादुर शाह प्रथम अनुमति देते हैं और उनकी अनुमति के साथ ही अनुमति देते हैं कि आप मुगल साम्राज्य में कहीं भी अपना व्यापार स्थापित कर सकते हो। इसके साथ ही डच सर्वप्रथम अपना जो व्यापार होता है वो गुजरात में स्थापित करते हैं। गुजरात के सूरत में डचों की सबसे पहली कोठी की स्थापना होती है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह के प्रति इनकी जो नीति होती है वह स्पष्ट होती है, क्योंकि ये सिखों के साथ एक संधि कर लेते हैं, अर्थात मेल मिलाप की नीति को अपनाते हैं सिखों के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि जो दिल्ली है ये हम भारत का मेल बनाए। जो दिल्ली है, दिल्ली के अधिकतर हिस्से जो पंजाब था उससे मिले हुए थे। यदि पंजाबी या सिख किसी प्रकार से आक्रमण करते हैं तो मुगल की जो राजशाही है वो किसी प्रकार से अस्थिर हो सकती है। इस कारण ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति को अपनाते हैं। 1711
बारह में, 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु पर एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम था सिडनी ओवेल, सिडनी ओवेल, सिडनी ओवेल एक कथन बोलता है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि यह कथन निम्न में से किसका है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। सिडनी ओवेल कथन है, यह एक अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। यह कथन है सिडनी ओवेल का। इनका मानना था कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अधिकतर जो भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थी उन्हें किसी प्रकार से बिना तकलीफ दिए, या कह सकते हैं कि बिना किसी प्रकार का कोई जजिया कर लगाए या फिर प्रताड़ना दिए, मुगल काल के जो मुगल जो क्षेत्र था उसमें व्यापार करने की अनुमति दी। इस कारण इनसे चाहे वो यूरोपी हो या फिर कोई भी अन्य विदेशी शक्ति हो, वो इनसे खुश थी। इस कारण सिडनी ओवेल ने कथन कहा था यह एक अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। ठीक है, आइए अब हम आगे देखेंगे जहादशाह के बारे में। जहादशाह जहादर शाह जिनका शासनकाल होता है 1712 से 13, या कह सकते मात्र एक वर्ष का। जहादर शाह एक अयोग्य और अकर्मठ शासक था। एक अयोग्य और अकर्मठ शासक था अर्थात इसके विषय में कोई महत्वपूर्ण जानकारी या फैक्ट उपलब्ध नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारियां कोई काम की नहीं है। आइए देखते हैं मुख्य फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर उत्तर मुगल कालीन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। फर्रुखसियर जिसका शासनकाल होता है 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर का शासनकाल होता है। दो अली बंधु या दो सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर मुगल बादशाह बनता है। कह सकते हैं फर्रुखसियर उन दो सैयद बंधु के कहने पर चलता था, पर फर्रुखसियर ने जल्द ही यह भाप लिया था कि जो सैयद बंधु है किसी भी समय उन्हें अपदस्थ कर सकते हैं या फिर गद्दी से हटा सकते हैं, क्योंकि वह एक तेज और गुस्सेला क्रोधी स्वभाव का शासक था फर्रुखसियर। वो जानता था कि ये कभी ना कभी इस तरह के प्रयास करेंगे, इस कारण उन्होंने जो सैयद बंधु थे दोनों उन्हें किसी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्त रख। सन 1716 में बंदा बहादुर
सन 1612 में, माफ कीजिएगा, सन 1716 में बंदा बहादुर को गिरफ्तार करके फर्रुख सियर मृत्यु दे देता है। बंदा बहादुर सिखों का एक मुख्यतः सेना नायक था, जिसने ठान के रखा था गुरु गोविंद सिंह की हत्या है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की हत्या मुगल बादशाह ने की थी और उनके दोनों पुत्रों की हत्या भी मुगल बादशाह के द्वारा ही की गई थी। तो बंदा बहादुर ने यह सोच के रखा था और यह ठान के रखा था कि वह किसी प्रकार से इसका बदला लेंगे। इस कारण वो मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह करता था और एक ऐसे सैनिक संगठन बनाने वाला था जिससे वो फर्रुख सियर या कहे तो मुगल बादशाह टक्कर दे सके। इसी कारण फर्रुख सियर को जाट बुंदेला सरदारों की मदद से 1716 में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लेता है फर्रुख सियर और बंदा बहादुर को मृत्यु दे देता है। अंग्रेज अफसर 1717 में एक अंग्रेज अफसर 1717 में एक अंग्रेज अफसर फर्रुख सियर के दरबार में आता है। तब जो फर्रुख सियर होती है उसकी तबीयत बहुत ही हालत नाजुक होती है। उनके साथ एक डॉक्टर भी आता है, क्योंकि अंग्रेजों को पता था ये बंगाल के, यदि हम मैप पुनः बनाकर देखें, यह बंगाल था, अंग्रेजों को पता था यदि बंगाल में हमें शासन स्थापित करना है, व्यापार को बढ़ाना है या राजनीतिक सत्ता को अपने हथियाना है, तो किसी प्रकार से हमें मुगल बादशाह की मदद लेनी पड़ेगी। और अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हो गई थी कि मुगल बादशाह की हालत बहुत ही अस्थिर है, और उन्होंने अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, अर्थात दिल्ली दरबार पहुँचते हैं। तब उस डॉक्टर की मदद से फर्रुख सियर की हालत फिर से स्थिर हो जाती है। इससे खुश होकर 1717 में फर्रुख सियर एक फरमान जारी करता है, इसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। अर्थात उसने फर्रुख सियर ने फरमान जारी कर कहा कि आप कहीं भी मुगल क्षेत्र में, अर्थात यहाँ से लेकर इस मुगल क्षेत्र में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हो बिना अतिरिक्त राज्यों को कर दिए। आपको कर तो देना होगा, पर किसे? केंद्र सरकार था दिल्ली को, जो केंद्रीय दरबार है उससे कर देना होगा, पर अतिरिक्त कर अर्थात गुजरात, अवध, बंगाल और अन्य जो भी राज्य थे मुगल बादशाहों के अधिकार में, उस पर उन्हें अतिरिक्त कर नहीं देना होगा और आप व्यापार कर सकते हो। इसका ही फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल पर अंग्रेजों ने विजय स्थापित की, और इसका ही फायदा उठाकर उन्होंने बंगाल में अपने व्यापारिक पहुंच बनाई। 1719 में सैयद बंधु, जिसका पहले हम बता चुके हैं, सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी से 1719 में सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी से हटाकर अन्य बहुत से शासकों को दिया, शासकों को स्थापित किया, जैसे हम कह सकते हैं उसे रफीउद्दौला आदि को शासक बनाया और इसे निष्कासित करके पहले अंधा बना कर दिया गया, उसके बाद इसे मृत्यु दे दी गई। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल भी 1619 से 48 होता है। मोहम्मद शाह को सैयद बंधु मुगल बादशाह की गद्दी पर बिठाते हैं। मोहम्मद शाह भी सैयद बंधु का एक कठपुतली बनकर मात्र रह जाता है, अर्थात वह अपनी इच्छानुसार कोई निर्णय नहीं कर सकता था। वह जो भी निर्णय लेता है उस पर सैयद बंधु की जो इच्छा होती है वो अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती है। मोहम्मद शाह अब्दाली को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह अब्दाली को रंगीला बादशाह कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद शाह अब्दाली कर्तव्य विहीन
और रंगीन स्वभाव का था, अर्थात अपने दरबार में यह प्रशासनिक कार्यों की जगह नृत्य संगीत आदि को महत्व देता था। ठीक है, मोहम्मद शाह ने ही हिंदू संगीत की लिपि को फारसी में करवाया अनुवाद। क्यों करवाया? क्योंकि मोहम्मद शाह जो था वो रंगीला बादशाह था ही, क्योंकि वह नृत्य संगीत आदि को महत्व देता था, इस कारण उसने हिंदू संगीत की लिपि को फारसी में अनुवाद करवाया। मोहम्मद शाह अब्दाली के समय ही मराठों ने सन 1735 में दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। सन 1735 में मराठों ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, पर इसका विरोध किसी भी शासक ने नहीं किया। आखिरकार निजाम अल मुल्क और बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय, इनके मध्य एक संधि होती है जिसमें जो निजाम उल मुल्क और मोहम्मद शाह यह स्वीकार करते हैं कि मराठों का साम्राज्य चंबल और नर्मदा की मुहाने तक होगा। इसी के साथ मराठा साम्राज्य को यहाँ को मेल मिलाप नीति अपनाकर जो आक्रमण होता है मराठों का उसे रोक देते हैं, और साथ ही संधि करते हैं कि आप किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता हमें प्रदान करेंगे, और इसके बदले पेशवा बाजीराव को मोहम्मद शाह अब्दाली, जो मोहम्मद शाह होता है बादशाह, वो 50 लाख खजाने के रूप में देता है। ये पेशवा बाजीराव वही है जिसे आपने फिल्मों में देखा होगा शायद, पेशवा बाजीराव आप जानते होंगे, यदि बाजीराव मस्तानी में ही जो बनी हुई फिल्म है वो पेशवा बाजीराव पर ही केंद्रित है। तो पेशवा बाजीराव की उम्र बहुत कम होती है, लगभग 25 या 30 साल की उम्र में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, और इसके साथ ही जो मराठा साम्राज्य होता है उसका विघटन होना चालू हो जाता है, क्योंकि ये है इनके बाद मराठा साम्राज्य में आपसी टकराव या मतभेदपन हो जाता है कि कौन पेशवा बनेगा, और आखिरकार मराठा साम्राज्य का भी अंत होता है जिसका लाभ पूर्णतः अंग्रेज 1739 ईस्वी में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है, करनाल का तब दिल्ली पर आक्रमण करता था मुगल सम्राट या मुगल सैनी और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध होता है। करनाल के युद्ध में जो मुगल सेना होती है वो बुरी तरह पराजित हो जाती है, और यहाँ से विजित होकर नादिर शाह पुनः लौटने लगता है, पर अवध का नवाब शहादत खां नादिर शाह को सलाह देता है कि आप यहां से युद्ध विजित करके ना लौटे, बल्कि दिल्ली में जाकर दिल्ली में स्थित अपार धन संपदा को भी लूटे तथा वहां कत्लेआम करे, और इसी की सलाह मानती हूँ नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है, और वहां 57 दिन तक कत्लेआम करता है, और मुख्यतः अनेक धन संपदा लेकर जिसमें था तख्त ताऊस, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, तख्त ताऊस, मयूर सिंहासन भी कहते हैं जिसे, और उसके साथ एक मोहम्मद शाह के द्वारा ही बनाई गई
जिसे हम पहले बताया हमने, हिंदू संगीत की लिपि को भी अपने साथ ले जाता है 1748 में। 1748 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको लिखने में कोई परेशानी आए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। अब हम आगे, मुगल बादशाह अहमद शाह, अहमद शाह 1748 से 54 तक दिल्ली का सम्राट रहता है। अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी से, या दरबार में जो नृत्य करने वाली होती है उससे हुआ था। मोहम्मद शाह के समय ऊधमबाई नाम की एक महिला, जिसका पिता ऊधमबाई की नामक एक महिला जिसकी उपाधि थी किताबुल जुमला, वह शासन करती है। इमाद उल मुल्क नामक जो प्रधानमंत्री होता है उसका वजीर कहते हैं। उस समय जो उसका वजीर होता है वह अहमद शाह की मृत्यु करवाकर उनके स्थान पर आलमगीर द्वितीय को शासक बना दिया। अहमद शाह के लिए कोई मुख्य बात इतनी ही है कि उसके शासन काल में ऊधमबाई नामक एक महिला जिसकी उपाधि किताबुल जुमला वह शासन संभालती थी। इमाद उल मुल्क नाम का एक वजीर ने उसकी हत्या कर दी 1754 में। उसकी मृत्यु के बाद आलमगीर को शासन बनाता। आलमगीर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। आलमगीर जो इमादुल मुल्क रहता है, इमादुल मुल्क का मात्र कठपुतली गण का शासक बनकर रहता है। और इमादुल मुल्क के शासनकाल 1754 से 1759 तक रहता है। आलमगीर के बाद दिखाओ 1759 में आलमगीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय ही मुख्यतः घटनाएं होती है, जिसमें था बक्सर का युद्ध और पानीपत का युद्ध। बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय होता है।
बक्सर का युद्ध और दूसरा पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध दोनों ही युद्ध इन्हीं के समय होते। बक्सर का युद्ध 1764 में और पानीपत का युद्ध होता है 1761 में। बक्सर का युद्ध 1764 और पानीपत का युद्ध 1761 में। पानीपत के युद्ध में अंग्रेज और मराठा प्रतिद्वंदी होते हैं, जबकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज, अवध का नवाब और बादशाह शाह आलमगीर द्वितीय खुद इस युद्ध का प्रतिद्वंदी होता है। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी होते हैं और पानीपत के तृतीय युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। इनके सालम और इसके साथ ही जो बादशाही होती है मुगल बादशाही, वह सीधी अंग्रेजों के कब्जे में चले जाती है या पूर्णतः प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से वह बादशाही अंग्रेजों के कब्जे में चली जाती है। इनके बाद शासक बनते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल होता है 1806 से 1834। 1806 से 1837 अकबर के शासनकाल में आते आते मुगल बादशाही पूरी तरह अंग्रेजों की गुलाम बन जाती है, अर्थात मुगल बादशाही पर पूरी तरह अंग्रेज काबिज हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं और अकबर द्वितीय मात्र एक नाम मात्र शासक बनकर रह जाता है। अकबर द्वितीय के समय ही राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के समय ही राजा राम मोहन राय विदेश इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं और जो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी जाती है वह भी अकबर द्वितीय ही प्रदान करते हैं। इनकी मृत्यु 1734 में हो जाती है और आखिरकार अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का शासन प्रारंभ होता है। यह 1734 से 1857 की क्रांति तक चला। अंतिम मुगल सम्राट के समय ही जो 1857 का विद्रोह होता है उसमें 1857 का जो विद्रोह होता है वह इसके नेतृत्वकर्ता बन जाता है। वह इसके नेतृत्वकर्ता आप कीजिए यहाँ 1834 1857 के विद्रोहकर्ता के नेतृत्व धारण कर लेते हैं और अंग्रेज इससे रुष्ट होकर उन्हें बर्मा से अब के समय में म्यांमार पाया था बर्मा निष्कासित कर देते और रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ जो मुगल कालीन जो भारत होता है उसका अंत हो जाता है, अर्थात मुगल कालीन जो भारत है वो बहादुर शाह प्रथम से ही शुरू होता है और बहादुर शाह द्वितीय पर ही समाप्त हो जाता है। बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट होता है और बहादुर शाह द्वितीय पर मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा जान लेते हैं कैसे और क्यों जो मुगल सत्ता थी उसका अंत हुआ या मुगल के पतन के क्या कारण रहे। अब हम जानते हैं मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण
थी। और हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण है। एक अचानक ही 1712 में मुगलों जो माफ कीजिएगा मुस्लिम आक्रांता के समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी वह अचानक ही ऐसे क्या कारण उत्पन्न हुआ कि वह ध्वस्त हो गई। उसके कारण हम कह सकते हैं एक तो बहुत ही पुराने या बहुत ही समय से चली आ रही व्यवस्था थी जिसका अंत होना ही था क्योंकि हमेशा समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण रहा। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की जो नीति थी वह एक धार्मिकता की नीति को अपनाता था, अर्थात वह केवल मुस्लिम को ही महत्व देता था। हाँ, कुछ अपवाद मिलते हैं, जैसे जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को भी सहायता प्रदान की, पर वह एक अपवाद मात्र है। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता भी मुगल साम्राज्य पतन का कारण रही। मनसबदारी प्रथा भी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण गिनी जाती है। मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत सीधे मुगलों को टैक्स न देकर या कर का सीधा मुगलों को न देकर उनके बीच में बिचौलिया धारण कर दिया जाता है जो कर को इकट्ठा करता है और फिर मुगलों को देता है। इस मनसबदारी प्रथा के कारण जो बिचौलिया होता है वह जमींदारों, मजदूरों या फिर जो जजिया कर देते हैं उन गैर धार्मिक समुदायों के ऊपर प्रताड़ना करते थे बहुत। इस प्रताड़ना के कारण भी लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ और मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए। इसके साथ सत्ता की लड़ाई के लिए भी मुगल साम्राज्यों में विभाजन या फूट हुई, क्योंकि सत्ता की लड़ाई के लिए मुगल साम्राज्य दो गुटों में बटा, एक जो धार्मिक कट्टरता का विरोधी था और एक दूसरा जो औरंगजेब की तरह ही धार्मिक असहिष्णु या सहिष्णुता की नीति को अपनाता था। इसके अलावा भी और भी कारण रहे मुगल साम्राज्य के पतन के। व्यवस्था को न संभाल पाना क्योंकि मुगल साम्राज्य के यदि हम देखें उत्तराधिकारी को तो बाबर से लेकर औरंगजेब के समय तक जो मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे वह योग्य शासक थे और व्यवस्था को पूर्णतः संभाल सकते थे। यदि हम देखें तो मुगल साम्राज्य यहाँ से दिल्ली से लेकर अधिकतर मध्य क्षेत्र में विस्तारित था। इतने बड़े क्षेत्र को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि दक्षिण से मुगलों का आक्रमण लगातार मराठों का आक्रमण मुगल सत्ता के विरुद्ध हमेशा होता रहा। उसके साथ ही जब यूरोपीय आगमन हो जाता है तो यूरोपीय आगमन से ही मुगल साम्राज्य में फूट पड़ जाती है क्योंकि अंग्रेजों की नीति ही, जैसे हमें पहले पता है कि अंग्रेजों की नीति रही है फूट डालो और राज करो, तो वह इन दोनों गुटों को जो गुटों की लड़ाई होती है उन गुटों में शामिल हो जाते हैं और फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए मुगल साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी होते हैं। और एक महत्वपूर्ण कारण रहा योग्य शासक, जैसे कि हमने पहले ही देख चुके हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और यदि बहादुर शाह प्रथम को देखें, तो उनके बाद कोई भी शासक जो मुगल साम्राज्य को एक सूत्र में बांध सके कोई योग्य शासक नहीं हुआ। जो भी इतने शासक आए वो सभी अयोग्य थे। इस कारण हम कह सकते हैं कि अयोग्य शासक व्यवस्था भी मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रही।
राजपूत, मराठो व सिखो का विरोध। औरंगजेब की नीति ने राजपूतों, मराठों और सिखों का विरोध उत्पन्न कर दिया, क्योंकि औरंगजेब की जो नीति थी वो धार्मिक कट्टरता की नीति था, अर्थात वो मुस्लिम धर्म को ही मान्यता प्रदान करता था। इस कारण जो राजपूत थे, जो मराठा थे और जो सिख थे, वो उसके विरोधी हो गए और यह मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तर मुगल कालीन ही समाप्त होता है। कल हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें हम यूरोपीय शक्तियों का आगमन जानेंगे, जिसमें थे सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेज ने हमारे देश में किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था हथियाई, किस तरह व्यापार किया, इसके बारे में पूर्णतः विवरणात्मक और फैक्ट अनुसार जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, कल हम फिर से आपको मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।